शैम्पू है ना भैया, ये बच्चा क्यों ले रहे हैं इंद्रलेखा का? तेल नहीं है तो लो, ये चार दिन चलता है, चार दिन ही चलता है। मेरी कोई सुन नहीं रहा है गाइस, देख लो मम्मी, ये चार दिन चलता है, इससे बड़ा वाला ले लो। अच्छा भैया, बड़ा वाला दे दीजिए। शैम्पू देना, तेल देना, शैम्पू भी और तेल भी। तो ये वापस हो गया है, ये मिल गई तेल की शीशी, ये मिल गया शैम्पू बोलने वाले, सॉरी शैम्पू। ये एक ही ले लो, दो ले लो, एक और ले लो। भैया जी आप एक काम करो, दूसरा ले लो शैम्पू, दूसरा ले लो। देना जी ले लो, देना जी वाला दे दो आप, ये मत रखो। या नाइल ले लो, नाइल के बढ़िया है। मेरा भी नाइल खत्म हो गया वैसे, या नाइल वाला दे दो मम्मी, मेरा भी नाइल खत्म हो गया है। ये देखो गाइस मार्केट के नजारे, और क्या लेना है देखो हमें। हाँ भैया किचन किंग भी दे, हाँ MDH का लेना, MDH का किचन किंग, एप्पल भी लेना था। तो ये एक देना जी मम्मी ने पिक कर लिया है, और ये इंदुलेखा की शीशी, और एक MDH का, MDH की मिर्च, और तो मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो सब कुछ पड़ा है, बस ये नाइल का शैम्पू खत्म हो रखा है, इंदुलेखा नाइल। अब आप एक ही उसमें से बाद में लेना पापा साथ आके, एक नाइल का शैम्पू भी दे दीजिए, काले रंग का और दे दीजिए। नहीं काला नहीं, ऑरेंज लगाती हूँ, पापा तो काला लगाते हैं, ऑरेंज ही लगाती हूँ मैं, ऑरेंज ही लेना। फैब इंडिया का पड़ा है, मैं फैब इंडिया ही नहीं लगाती, मैं यूज ही नहीं करा मैंने फैब इंडिया एक बार भी, मेरे बालों को जचा ही नहीं। हूँ भैया ऑरेंज वाला दे देना नाइल का शैम्पू। हाँ भैया ऑरेंज देना, छोटी बच्ची को छोटी मेम बना दूंगी। दीक्षा बात सुन, लाल तेल भी ले लो तेरी मालिश के लिए। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ जी, सबसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, रात में वॉशरूम नहीं जाया जाता, हगीज भी उठा लूँ एक। ले लूँ क्या एक हगीज? नहीं। ये देखो गाइस क्या ले रहे हो अब, और बस यही तो लेना, याद करो, याद करो, ऑरेंज वाला याद, दिमाग पे थोड़ा जोर दगा, जोर डालो, और क्या लेना था, जोर डालो थोड़ा दिमाग पे, देखो थोड़ा लाल तेल देना भाई, लाल तेल मलू दिमाग पे, जोर जोर आएगा, याद आएगा सब कुछ। गंगे वाला लो गाइस, ये ले लिया हमने, अब हम बिलिंग कराएंगे इसकी, और फिर उठाने एप्पल, और फिर निकलेंगे आगे। आगे कहाँ जाना है वो भी आपको ब्लॉग में पता चलेगा, ये सब ब्लॉग में बताएगी, तो बने रहिए आप भी हमारे साथ इस सफर में। गाइस देख लो, ये कह रही है मुझे ठोकेंगी चप्पल से, यही लाए। हाँ और क्या लाए? ये लाए और अपने लिए वो लेकर आई ब्रेड और पिज्जा बेस, ये सब छोटा मोटा चीज लेकर आए, ये दो डब्बा। वहां गए थे ना पार्लर भी गए थे, कौन से वो उधर महावर के सामने, और फिर वो घर का थोड़ा सामान शैम्पू वगैरह था वो उठाया, ये खा के देखना अच्छे आपको अच्छे लगेंगे, खाए हुए आपने तो। डैडी किचन में रखो, जाओ चाय बनाओ, अब अच्छे लगते हैं हल्के मीठे। चलो बाय, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, किचन में रख देना जरा, लेटी हुई है। अब आप भी खाने के लिए कुछ बना लेना, चीज बॉल बना दो, बना लो, यही कर रही हूँ सर्दियों में। तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं, अब हम अपनी चाय पियेंगे, चाय का मजा लेंगे, और गाइस यहाँ पर दीक्षा अपना वर्क कर रही है, जो दीक्षा अपना लगी हुई है उसको थोड़ा सा काम मिला है, अपना काम कर रही है, और हम लोग अब पियेंगे चाय। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंश के साथ गाय को खाना डालने, और उसे एक चक्कर कटाने, और ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, ये दो बार जलती है। चलो तो ये मेरे जल गई है, बहुत ठंडा हो रहा है, ध्यान से मम्मा पानी है,
तो अब चलते हैं फटाफट। चलो गाइस लेट्स गो। गाइस दादी भी आ गई है और यहाँ हम लोग भी तैयार हैं और अब चलते हैं। गाइस लेट्स गो। दादी का रियल रंग कश्मीरी कली। दीक्षा इसको बंद कर तो मैं कुछ बोलूं। देखो गाइस दादी कुछ कहना चाहती है बट वो कह रही है कि मैं अपने व्यू पॉइंट ना भी कैमरा पे इतनी फ्रैंक नहीं हूँ जो तुमसे शेयर कर पाऊँ, तो वो जो भी बोलेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अंदर से खुशी है? हाँ, क्यों नहीं होगी। बच्चे को होगी, तू आराम से दिल्ली जा। तो आप मुझे भी तो दिलाओगे गाड़ी, तुझे कुछ नहीं मिलना। देख लो गाइस तू दिल्ली जा। तो गाइस अभी घर पहुंचते सार अंश के गले में दैडी एक टैची वाला रिवॉर्ड देंगे। तू दिल्ली जाके पैसे जुटा के इधर भेज और गाड़ी ले। भेजू भी मैं, मिलेगा भी मुझे कुछ नहीं। तो गाइस ऐसे ऐसे प्रॉफिट में इन्वेस्ट ना करें कृपया करके, ये बहुत घाटा है। इस स्टॉक में समझ रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, ये स्टॉक मार्केट में घाटा चल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना ना। मम्मी आपका क्या कहना है? दिल्ली जा पैसे भेज, बच्चे को बढ़िया सी गाड़ी। अच्छा अगर तुझे देख कार चलानी तो आती तुझे से प्रैक्टिस की। तो गाइस ऐसा नहीं है मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझे आती है। देखो मुझे आती है, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। जो अंश को मैं दिलवाना चाह रही हूँ कि इसको हाईवे और उस पे प्रैक्टिस मिल जाए। यस गाइस तो हमारे अंश को आ गई है गाड़ी भाई, 70% तो आ चुकी है। ठीक है अब बाकी घर जाके दादी टैची निकालेगी अपनी कि कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कैश मनी प्राइस 10 लाख 20 लाख क्या दिलाओगे, कौन सी गाड़ी। दादी ने अपने सारे जीवन वो पैसे जोड़ के रखे पाई पाई अपनी जवानी से पोता होगा। तो गाइस दादी अब हार चुकी है इस कंपटीशन में और आखिरकार मैं जीत चुकी हूँ। इतने थे अब कभी कभी सोचते हैं। अच्छा सारे इतने सोचते थे और ना कि काश जोड़ लेते पोती के लिए। ना पोती के लिए तो बिल्कुल नहीं जोड़ती। देख रहे हो गाइस जितना बोलेगी मैं भी उस टाइम देख रही हूँ। तो गाइस दादी अब लखनऊ जाएगी, कब जा रहे हो आप? ऐसे है कि दीक्षा दिल्ली जाएगी वहाँ से पैसे भेजेगी। अरे मेरे से पहले तो अब लखनऊ जा रहे हो, पैसे भेजेगी फिर मैं। तो गाइस सिर्फ वैसे तो मैंने सुना है कि भारत में जो है ट्रेन जो है अभी बंद हो चुके फिलहाल इंडिया में, मगर एक ट्रेन कुछ ट्रेन बंद हुई है। हाँ मैं को इतना सुनने में आया है, मगर एक ट्रेन है देहरादून से लखनऊ के लिए वो जा रही है, सिर्फ दादी जाएगी उसमें बैठ के। सिर्फ दादी, सिर्फ दादी ने चाहा है उसमें बैठ के। लड़िया इसलिए लगवाई क्योंकि मेरी क्रिसमस आ रही है। नहीं नहीं शादियां भी तो हो रही हैं। इनके घर किसकी शादी है? इनके घर नहीं होगी वैसे। तो गाइज अब हम फाइनली अपने घर के एरिया पहुंच चुके हैं, मैं मिलती हूँ तुमसे सीधा जाके घर पे। बाय बाय। तो गाइज फाइनली गाड़ी लग चुकी है और ये कुत्ता क्या कर रहा है? ये कुत्ता गाड़ियां डेकोरेट कर रहा है। ही इज पिसिंग ऑफ गाइस। स्कूबी इज पिसिंग ऑफ। मम्मा पीछे स्कूबी है, चिपक रखा है बिल्कुल। स्कूबी बेटा नहीं बेटा। हाँ यार मम्मा स्कूबी की ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही है। इस बच्चे की ड्रेस देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है हमारे स्कूबी की। नहीं नहीं मगर ये आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी, मगर इसकी ड्रेस प्यारी लग रही है। देखो गाइस स्कूबी ये सबसे प्यारा डॉगी है गाइस। हाँ गाइस ये देखो ये स्कूबी अपने पोजेस दे रहा है गाइस। और आ रहे बेटा स्कूबी, मम्मी भी आ रही है। जाओ मम्मी गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ, पोज दो स्कूबी के साथ। चल बेटा कैसी चलाई, अच्छी ना? बहुत अच्छी चलाई। अच्छी ड्रेस है, अच्छी लगी। खुद से बनी हुई है ये सर्दियों के लिए? उसके लिए ये फर वाली मिलती है बाजार में। मैं ये कह रही हूँ आपके लिए ले आऊँ ऐसी? हाँ ले आ। वो देख ये गाइस कभी पहले पीछे लगा हुआ था पिस ऑफ करने के लिए, गाइस स्कूबी सारे टायर को पिस ऑफ कर रहा है। ये कितना क्यूट चल रहा है ये।
अब ये सोच रहा है इस गाड़ी के टायर में पिस ऑफ कैसे किया जाए, टांग उठा रहा है, नहीं उठाई गाइस। नहीं उस वाले टायर पे जाएगा, करके तो जाएगा वो, देख लिए करके तो नहीं करके जाएगा, देख लिए ये भी बात पक्की है, चाहे वो उधर जाए। लेकिन उसे शर्म आ रही है गाइस, वो कह रहा है तुम मेरा व्लॉग बना रही हो पिस ऑफ करते हुए। नहीं वो कुछ ढूंढ रहा है, ढूंढ नहीं रहा वो, पता है क्या कह रहा है, तुम खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए मेरे लिए, ये रहा गाइस, ये गाइस कुवी ने पिस ऑफ कर दिया और अब हम चलते हैं ऊपर, अब दूसरी गाड़ी को चेक करेगा। वो जगह ढूंढ रहा है, वो देखो अब वो लात मार रहा है, रेस रेस, चलो बेटा ठंड हो रही है, मालिक पास जाओ अपने, गेट बंद कर दे बेटा। ये देखो गाइज मम्मी आगे चल दी है। गाइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार डॉग्स, मेरे को खुद का भी एक चाहिए, एक क्या मेरा बस चले, मैं दो तीन रखू। हाँ दादी क्या करूं? तो गाइज दादी अंदर बंद हो गई है हमारे भुलभुलैया वाले घर में। ओहो मेरे से वो नहीं करेगी, नहीं आज की शिकायत नहीं है। तो गाइस अब बन रहे हैं घर में गर्मा गर्म पिकोड़े पकोड़े, ये पनीर के और मगर इसमें प्याज और आलू तो मिसिंग है, प्याज और आलू भी डाल देंगे, प्याज और आलू मिसिंग है और इसमें है ना, तेल गरम हो गया, तेल गरम है और ये है बैंगन के पकोड़े, ओके जो तुम्हें अच्छे लगते हैं बहुत। ओए होए होए क्या मस्त फ्राई हो रही है, मस्त तो फ्राई होने ही है, छप 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 करके, और ये अभी तक गाड़ी के उसमें है। गाइस ये बन रहे हैं सबके लिए और मेरे लिए मम्मी बनाएगी ये वाला बोंदा वाला आलू है ये बॉइल्ड, और क्या डाला मम्मा इसमें, थोड़ा सा वो डाला है सूखा धनिया, हाँ धनिया दिख रहा है, प्याज है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, किचन किंग है, और साथ में ये बेसन में गोल गोल इसका बना के अच्छे से डालेगी, और ये थोड़ा चीज है वो भी मिक्स कर देगी जो दीक्षा के पेट में जाएगा इसके साथ, ताकि थोड़ा बच्चे को अच्छा लगे। बस अब मैं थोड़ा सा इसको वो करती हूँ। तो गाइस बिल्कुल ही लाल लाल पकोड़े मम्मी तलेगी और इसके बाद ये हमारा डिनर है आज का, यही है। नहीं, और नहीं, आज का डिनर नहीं है, सब्जी मैंने बना रखी है। आओ गाइस तुम्हें सब्जी दिखाऊं, शाही सब्जी दिखाऊं। कितने परफेक्ट फूले बैंगन के, देखो पकोड़े फूले फूले बैंगन का पकौड़ा देख कैसे बहुत फूला फूला फूला। गाइस तुम देख ही सकते हो कितने फूले फूले पकौड़े बने, और ये इधर से इसका एक्सीडेंट भी हो गया, और ये शाही सब्जी आज की तंटना मेथी आलू बने हैं, शाही खाना बना है हमारे घर में आज बिल्कुल एकदम, मलाई कोफ्ता बन रखा है, मलाई कोफ्ता और ये साथ में कढ़ाई पनीर, नहीं वो है बैंगन के क्या कहते हैं पनीर वाले भी हैं बेटा। हाँ ठीक है, तो गाइस अब हम ये पकोड़ों का लुफ्त लेते हैं और खूब, तुम गोभी के खाओगे दीक्षा, प्लेट दो बेटा प्लेट, हाँ प्लेट देती हूँ पहले गाइस मैं मम्मी को, पहले ये निकाल दे, खिला भाई भूख लग गई। हाँ तो गाइस अब ये गर्म गर्म पकोड़े थाली में परोसे जा रहे हैं और आज हम यही इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ बेटा इसे पकड़ और पापा को दो, पापा को नहीं पहले साथ में चटनी दो, चलो और भी ले जाओ ना गोभी के, ये देखो और पनीर के। तो गाइस बना है इसके साथ हरी चटनी, तो गाइस ये यहाँ पे देखो मम्मी ने दूसरा बैच भी थोड़ा पनीर वगैरह डाल दिए इसके अंदर।